हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम अपना जो फोर्थ चैप्टर जो चल रहा था वाक्य का, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है बेटा। और इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, तो आप उस पीडीएफ को देख के अपनी बुक को फिल कर लीजिए, ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर जो है सुमन लता मैडम आपको पहले समझा चुकी है, क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी है। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो अपनी क्लास के दूसरे बच्चों से आप उसकी कॉपी की फोटो मंगवा के और आप अपनी नोटबुक धीरे धीरे पूरे करते रहो, ठीक है बेटा। अब ये बार बार दो दो बार आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे जाएंगे, ये हो चुके हैं, इनको दोबारा से आपने नहीं करना, ठीक है। मैं दोबारा से इनको नहीं भेजूंगी, अगर आपने पहले कर रखे हैं तो आप उनको दोबारा से मत लिखिए, ठीक है बेटा। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 37 से और 40 तक है इसकी, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय छाट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, आपके वाक्य दिए हुए हैं और उसके आगे उद्देश्य और विधेय हेडिंग लिखी हुई है, उद्देश्य के नीचे उद्देश्य, विधेय के नीचे विधेय। तो हमारा वाक्य है, हमारे बगीचे में फलों के पेड़ हैं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होता है हमारा, जो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, हमारे बगीचे के बारे में, ठीक है। बगीचे के बारे में बात की जा रही है, तो उद्देश्य कहां तक हो जाएगा, हमारे बगीचे में तक उद्देश्य है, फलों के पेड़ हैं, विधेय है। सेकंड, हलवाई ने बहुत सी मिठाई बनाई, हलवाई ने उद्देश्य है बहुत सी मिठाई बनाई, विधेय। थर्ड, उसने कहा था कि वह कल आएगा। अब कहने वाला कौन है, उसने है ना, तो उसने आपका उद्देश्य है और कहा था कि वह कल आएगा, विधेय है, ठीक है। माधुरी ने अपना घर साफ कर लिया, तो किसने कर लिया, करने वाला कौन है यहाँ, माधुरी। तो माधुरी आपका उद्देश्य है, ने अपना घर साफ कर लिया, विधेय है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी उद्देश्य, कपड़े धो रहा है, विधेय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर लिखो कि अर्थ के आधार पर उनमें कौन सा भेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहला अर्थ के आधार पर बताने बेटा, अर्थ के आधार पर। वाक्य के 8 प्रकार होते हैं ना, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, जो आपको पढ़ाए थे उनमें से ये हमें वाक्य पहचानने कौन सा है। पहला है, पक्षी उड़ रहे हैं, विधानवाचक। आप आज हमारे घर चलते, इच्छावाचक। थर्ड, जाओ बाजार से सामान ले आओ, आज्ञावाचक। फोर्थ, हाय बेचारा बीमार है, विस्मयादि बोधक। फिफ्थ, तुम्हारे घर कौन आया है, प्रश्नवाचक। सिक्स, तुम धूप में मत खेलना, निषेधवाचक। सेवंथ, अजय आज कानपुर गया होगा, संदेहवाचक। एट्थ, तुम साइकिल से मत जाओ, निषेधवाचक। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपका, नीचे लिखे वाक्य पढ़कर बताओ कि रचना के आधार पर वे किस प्रकार के वाक्य हैं। अब हमने सरल, संयुक्त, मिश्रित में से ये वाक्य पहचानने कैसा है। पहला है, अजय, अनिल और शिखर गए, सरल वाक्य। अध्यापिका ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, मिश्रित वाक्य। आज विद्यालय खुला है, सरल वाक्य। फोर्थ है, श्रुति पुस्तकालय जाती है और मन लगाकर पढ़ती है, संयुक्त वाक्य। फिफ्थ, मंजुला ने किताब पढ़ी, संयुक्त वाक्य। सिक्स, वह गई तो थी परंतु रास्ते से ही लौट आई, संयुक्त वाक्य। सेवंथ, मैं जानती हूँ कि शाम को बारिश आएगी, मिश्रित वाक्य। एट्थ, दादाजी आए, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलो। सरल वाक्य दिए हुए हैं हमने, संयुक्त में उसको बदलना है, जो मैंने कल आपको थोड़ा सा समझाया भी था। वह खाना खाकर सो गया, तो इसको संयुक्त वाक्य में करने के लिए क्या करेंगे, उसने खाना खाया और सो गया। सेकंड, बालक रोकर चुप हो गया, बालक रोया और चुप हो गया। शाम होते ही सब घर आ गए, शाम हुई और सब घर आ गए। फोर्थ,
सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, फोर्थ तक आपके हो चुके हैं, अभी हम फिफ्थ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाइए। सरल वाक्य दिए हुए हैं, मिश्रित बनाने हैं। कमाने वाला खाएगा, ठीक है, जो कमाएगा वही खाएगा। सेकंड है, परिश्रमी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। आंसर है इसका, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वही सदा सुखी रहते हैं। थर्ड, मेहनती विद्यार्थी सफल होते हैं। जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं वही सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाइए। संयुक्त दिया हुआ है, और वाले दिए हुए हैं, और हमने मिश्रित बनाने हैं। महिमा गा रही है और नाच रही है। जैसे ही महिमा ने गाना शुरू किया वैसे ही नाचने लगी। बच्चा दौड़ा और मेरे पास आ गया। जब बच्चा दौड़ा तब मेरे पास आ गया। कुसुम आई और चली गई। कुसुम जैसे आई वैसे ही चली गई। वह घर आया और उसने भोजन किया। जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। फिफ्थ है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आपने जैसे ही परिश्रम किया वैसे ही आप उत्तीर्ण हो गए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलकर लिखो। बच्चे छत पर चढ़ गए। अब क्वेश्चन आंसर, इंटरोगेटिव जो होता है आपका, वो बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं इंग्लिश में, व्हाट, WH फैमिली लगाते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही उसी तरह है। क्या लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे इनके, इन वाक्यों से। क्या बच्चे छत पर चढ़ गए? घर में मेहमान आए हैं। क्या घर में मेहमान आए हैं? पिताजी बाजार से फल लाए हैं। क्या पिताजी बाजार से फल लाए हैं? आज हम अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। क्या आज हम अक्षरधाम मंदिर जाएंगे? ये क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को निषेधवाचक वाक्यों में बदलिए। निषेधवाचक यानी कि मत या नहीं का प्रयोग हमें करना है इन वाक्यों में, ठीक है। पहला है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। बच्चे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं। सेकेंड, मैं मेला देखने प्रगति मैदान जाऊंगा। मैं मेला देखने प्रगति मैदान नहीं जाऊंगा। आज बाजार बंद है। आज बाजार बंद नहीं है। आज हम फिल्म देखने जाएंगे। आज हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एट तक हो गए हैं आप। क्वेश्चन नंबर नाइन है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से मुख्य उपवाक्य रेखांकित करो। मैंने आपको कल बताया था आश्रित, पहले बताया था कि आश्रित और मुख्य उपवाक्य क्या होते हैं। देखिए पहला जो दे रखा है, जो धन अमित ने मेहनत से कमाया था वह सब चोरी हो गया। देखो बेटा, जो इसमें दो सेंटेंस, दो टुकड़े दिए हुए हैं एक वाक्य के, अब उन वाक्यों में आपने पहचानना है कि क्या चीज पहले होगी तो दूसरा काम होगा। तो धन होगा जभी तो चोरी होगा ना, तो इसमें मुख्य उपवाक्य कौन सा हो गया, जो वह सब चोरी हो गया। देखिए सेकंड है, मैंने एक पेन खरीदा जिसकी स्याही कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमारा मुख्य उपवाक्य है, मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है। थर्ड है, वह मेरा मित्र है कक्षा में जिसने सर्वाधिक अंक पाए, तो इसमें होगा वह मेरा मित्र है। जैसा पिताजी कहते हैं मैं वैसा करता हूँ, इसमें मुख्य उपवाक्य है मैं वैसा ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर टेंथ, निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य रेखांकित करो। आश्रित करना है इसमें, पहला है सेंटेंस, मेरा विचार है कि तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। इसमें आश्रित उपवाक्य है वो कौन सा है, तुम्हें से लेकर चाहिए तक, तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। सेकंड है, जो आतंकवादी पकड़ा गया वह तालिबान से था। आश्रित उपवाक्य है इसमें, जो आतंकवादी पकड़ा गया। थर्ड है, आंगन में एक सांप था जो बहुत लंबा था। आश्रित उपवाक्य है इसमें, आंगन में एक सांप था। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, ये फोर्थ है आपका। इसमें आश्रित उपवाक्य है जो व्यक्ति मेहनत करता है। आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपके आते हैं MCQs, ठीक है। MCQs है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला है, शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द।
सेकंड, जिसके बारे में कोई बात की जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। थर्ड, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे कहते हैं विधेय। फोर्थ, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। आठ, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन। सिक्स्थ, दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा, इस वाक्य में उद्देश्य है दशरथ पुत्र राम ने। सेवंथ, अपने आप काम करने की आदत डालो महाशय, इस वाक्य में उद्देश्य है अपने आप महाशय। एट है, किसानों का जीवन बहुत कठोर होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है किसानों का जीवन। नवनीत ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में विधेय है ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है। टेंथ है, समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है, इस वाक्य में विधेय है अनोखी घटना छपी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड MCQs का सेकेंड क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। तुम बुद्धिमान हो इसलिए ढंग से बात करो, कैसा वाक्य है ये, संयुक्त। सेकेंड, अगर मन में सच्चा प्रेम हो तो संबंध कभी नहीं टूटते हो तो ये कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। मैंने कल एक मोटा और उग्र बदमाश देखा, सरल वाक्य। संबंध तोड़ने में एक मिनट लगता है परंतु बनाने में उम्र लग जाती है, संयुक्त वाक्य। पिताजी ने पूछा कि अजय अभी तक तुम कहाँ थे, मिश्रित वाक्य। MCQs का थर्ड क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाओ। आप, थर्ड का फर्स्ट है, आप दीर्घजीवी हो तो ये कैसा वाक्य है, इच्छावाच्य। सेकेंड, यदि मैं होता तो लड़ाई रुकवा देता, संकेतवाच्य। वह कैसा सुंदर दृश्य है, विस्मयादि बोधक। फोर्थ, मैं कल नहीं जा सकूंगा, जिसमें नहीं और मत आ जाए, निषेधवाच्य। जिस वाक्य में किसी काम का होना या न होना दूसरे काम के होने या न होने पर निर्भर करता है वह वाक्य कहलाता है संकेतवाच्य वाक्य। आपकी ये चैप्टर नंबर फोर्थ की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसकी PDF बुक भरी हुई कि मैं आपके पास भेजूंगी, इसको देख के अपनी बुक की एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर लेना। और अपने घर पर रहो बेटा, जब तक कुछ जरूरी ना हो आपको बहुत ज्यादा, तो अपने घर से बाहर नहीं निकलना आपको। और हम अगली क्लास में मिलते हैं अपने नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।